ओडिशा और देश के लिए भविष्य के लिए बहुत अहम है। आप सभी को यहां विधानसभा में और केंद्र में किस तरह की सरकार चाहिए इसका फैसला करना है। आपको ये फैसला करना है कि ओडिशा और केंद्र में ईमानदार और मेहनती सरकार चाहिए या फिर भ्रष्ट और फैसले टालने वाली सरकार चाहिए। आपको ये फैसला करना है कि ओडिशा और केंद्र में गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़ा, शोषित हर वर्ग के परिवार का विकास करने वाली सरकार चाहिए या फिर वंशवाद, भाई भतीजावाद वाली सरकार चाहिए। साथियों, आपने दशकों तक देश में केंद्र में कांग्रेस सरकार के काम को देखा है। पिछले 19 वर्षों से आप उड़ीसा में बीजेडी की सरकार को भी देख रहे हैं। इन दोनों की तुलना में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कामकाज भी है। साथियों, आज ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 39 वर्ष पहले आज के दिन सबसे बड़े राजनीतिक संगठन यानी हम सबके दिलों में बसी भाजपा का गठन हुआ था और इसका हम सभी देश प्रेमियों को गर्व है। बीजेपी इसलिए विशेष है क्योंकि ये पार्टी न तो धनबल से बनी है और न ही बाहुबल से बनी है और न ही ये बाहर से उधारी ली गई कोई विचारधारा से बनी है। साथियों, बीजेपी देश की जन जन की आकांक्षाओं में से जन्मी है और पली बड़ी है। भारत की मूलभूत इस मिट्टी की सुगंध के साथ ये उपजी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रची बसी है और भारत के सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। हम परिवार पर आधारित नहीं और ना ही हम लोग पैसों पर आधारित है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ताओं ने बनाई है, कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। चार चार पीढ़ी खप गई हैं। कई पार्टियां पैसों से बनी हैं, ये पार्टी पसीने से बनी है, कार्यकर्ताओं के पसीने से बनी है। जब जब देश में चुनौती आई है तब तब बीजेपी कार्यकर्ता सब कुछ छोड़कर न्यौछावर कर मां भारती की रक्षा में डटकर खड़े हुए हैं।